वंदे मातरम ये वीडियो लवड़ू के लिए। नमस्कार दोस्तों करता है जो, क्यों रे जर्मन शेफर्ड तू क्या कह रहा है भाई? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। अच्छा डिक्टेटरशिप समझता है भाई क्या होती है? और यहां एक बहुत सिंपल सी बात है, डिक्टेटरशिप होती तो तेरे को ना हिंदुस्तान में एक और नियम है, पागल कुत्तों को फिर भी छोड़ देते हैं, गद्दार कुत्तों को गोली मार दी जाती है ना। लेकिन तुम गद्दार कुत्ता होने के बाद भी तुमको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? तू साले वहां पर बैठकर, ऐसा है लालू तो प्रॉब्लम यह है कि तुम ना कितने बड़े दोगले हो और कितने बड़े वाले आइटम हो। डिक्टेटरशिप की बात कर रहा, डिक्टेटरशिप में तू जिंदा रहता है? तेरे मालिक लोग, तेरे फंडर लोग। प्रॉब्लम यही है ना कि हिंदुस्तान में लोग पता नहीं किन किन को फॉलो करते हैं। यहां पर दो समस्याएं सबसे बड़ी है कि एक आदमी आता है पूरे भारत की पूरी ख्याति को पूरा अपमान करता है पूरे दुनिया के स्तर पर। तेरे को अबे तेरे पुराने वाले फीड्स अभी बहुत जल्दी शेयर करूंगा मैं, क्या क्या फीड्स अभी तेरे। तूने हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ बोला था, तूने सनातनियों को गाली दी थी, तूने हिंदुओं को गाली दी, तूने हर उस इंसान को गाली दी जो भगवान प्रभु श्रीराम को मानता है, बजरंग बली को मानता है। तूने बहुत सारा गलत बहुत कुछ कहा है। और नाम अब सब समझ गए हैं, क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड हिंदुस्तान के अंदर ना एक रहन दो, गाली गलौच एक तो ना देने का वादा किया, लेकिन उसके बाद भी अगर देना भी पड़ी तो उसके लिए डिजर्व करना पड़ता है ना। आज भी मेरे पिताजी का एक वाक्य है, शेर कुत्तों के बारे में नाम भी ना ले तो अच्छा होता है। तो यहां पर एक बात आती है कि तुम जैसे जो खालिस्तान डैश बोलते ना, डैश 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 डैश, तुम वही हो। तू हिंदुस्तान की बुराई करना बंद कर दे। अब इसको तू जो समझ ले, बिल्कुल सीधी सी भाषा में एस, और जो ऐसे बहुतों की जिंदगी हो चुकी है झंड, और यह है बहुत बड़े, इसलिए ना अब ये फॉलो करने वालों की जिम्मेदारी है कि तुम किसको फॉलो करते हो। हिंदुस्तान में कमाल की चीज है ना कि कोई भारत के खिलाफ बोले तो साला सब उसकी में घुसने को तैयार हो जाते हैं। यहां हिंदुस्तान में जो अच्छी चीजें हुई है वो तू नहीं बताता भाई कभी। क्यों? क्योंकि तेरे बाप तेरे आका लोग जो हैं, जो आधे तो जेल में बैठे हुए हैं, और तेरी फंडिंग की ना रुक जा ये। हाँ लेकिन जल्दी तू बहुत, तेरे को बहुत बहुत खुलासे करने होते ना, रुक थोड़ा सा। इस बार ना खुलासा तू हैंडल नहीं कर पाएगा। मेरे वतन के खिलाफ बोलना बंद कर बे, वरना सामने कभी आ। बहुत तेरे को ना वहां बैठ के विदेश में तू बकैती करता है बहुत। एक बार मां चामुंडा महाकाल की कसम, दम है ना तेरे में। इंटरनेट की लड़ाई छोड़ दे, तू सामने और मेरे खिलाफ, इस हिंदुस्तान के, मेरे भारत, मेरी भारत मां के खिलाफ, तूने जो सनातनियों के खिलाफ बोला है, तूने जो इस देश की एकता अखंडता के खिलाफ बोला है, जो पूरी दुनिया में तू भारत का अपमान कर रहा है, मेरे सामने बोल के देखा मैं क्या करने के लिए सक्षम हूं, वो तेरे को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और दूसरी बात, बहुत सीधी सी बात यह है कि और जो लोग चटकारे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं ना भारत के अपमान में, तुम सब साले गद्दार हो। इस भारत को गलत कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान किया जाता है और लोग दबा के शेयर करते हैं। अपने आप से पूछो, मुझे ना फर्क नहीं पड़ता सरकार किसकी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सत्ता में और कौन नहीं है। बात यहां यह है, अबे जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए बोलना। और रही बात तेरे बापों की, तेरे नाजायज बापों की, जितनी तेरी सच्चाई, तेरे जितने कनेक्शन है ना, वो तो ऐसा डिक्टेटरशिप अगर असल में होती ना तो लालू तुम्हारे जो है ना कहां कहां से क्या क्या निकल चुका होता। अगर डिक्टेटरशिप होती तो तेरे को जहां था उधर से भी उठा के लाया जा सकता था। और तू बहुत बड़ा है ना, मैं तेरे को खुली चुनौती कर रहा हूं, आ डिबेट कर, आ डिबेट कर। डिक्टेटरशिप छोड़, सरकार की छोड़, सबकी छोड़, तूने इस वतन के लिए क्या किया है? तू पहले तो आके वो कर डिक्टेटरशिप। खाता साला हमारी है, यही तकलीफ है, खाते तुम साली हमारी हो, हमारे नाम की आइडेंटिटी की, लेकिन तुम अपमान करते हो इस राष्ट्र का, जिसके कारण तेरा नाम, रुक जा बहुत जल्दी है ना। अब ये शुरुआत, ये पहला सिर्फ इंट्रोडक्शन मीडिया था। नमस्कार दोस्तों, अबे तब तेरी नमस्कार नहीं चाहिए मैं तेरा नमस्कार किसी को, और ऐसे चल बहुत जल्दी पता चलेगा।